कटनी से बड़ी खबर, जहां स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से प्रसूता परेशान हुई। स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता को इलाज नहीं मिला। स्वास्थ्य केंद्र में घंटों महिला तड़पती रही। स्थानीय लोगों की मदद से प्रसूता की जान बची। बहुरीबंद थाने के बसंदा का ये मामला है। कटनी में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से प्रसूता परेशान हुई। स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता को इलाज नहीं मिला। स्वास्थ्य केंद्र में महिला घंटों तड़पती रही। स्थानीय लोगों की मदद से प्रसूता की जान बची। बहुरीबंद थाने के बसंदा का यह मामला है। हमारे सहयोगी रविशंकर फोन लाइन पर मौजूद हैं। रविशंकर, स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का खामियाजा, एक प्रसूता को भुगतना पड़ा, कई घंटों तक उसको परेशान होना पड़ा, क्या कुछ पूरी जानकारी है मामले पर? जी देखिए, स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के चलते महिला को अस्पताल तो जरूर लाया गया था, क्योंकि हड़ताल के चलते उसको इलाज नहीं मिल पाया, जिसको लेकर के घंटों तक वो महिला वहाँ अस्पताल परिसर के अंदर तड़पती रही। वहाँ मौजूद लोगों ने जब उस महिला की हालत देखी कि हालत समय पर बिगड़ती जा रही है, तो स्थानीय महिलाओं ने उसका प्रसव कराया और प्रसव कराने के बाद उसको कहीं राहत मिली पाई है। और खास बात यह है कि ये स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल चल रही है, ये लगातार अभी और जारी रहेगी, बेमियादी हड़ताल है। ऐसे में पूरे जिले की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है। जी, तो कहीं सरकार की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है इस तरह की जब कंडीशन आती है उसके लिए? जी देखिए, जो मुख्य अस्पताल है में उसमें थोड़ी बहुत जो प्राइवेट हॉस्पिटल से वहाँ से डिप्लॉय किए गए, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या जो दूर दराज के अस्पताल हैं वहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यही वजह है कि उस महिला को उसके तक तड़पना पड़ा और आखिरकार स्थानीय लोगों की मदद से उसको राहत मिल पाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।